we'll continue the inaugural session now i request uh, dr sunita gandhi founder and ceo devi sansthan to share her special address on building tomorrow's education through collaboration sabko bahut bahut namaskar um, uh, most honorable minister um, dignitaries um, all of you um, participants thank you sir and uh, of course the organizers apac सो आई थिंक आई एम प्रॉब्ली अ माइनॉरिटी है आई एम नॉट श्योर बट आई रेप्रजेंट द के ट्वेल्थ सेक्टर कक्षा बारहवीं तक का हम रिप्रजेंट करते हैं यहाँ पर और uh, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बारहवीं तक कक्षा के लिए काम करते हैं क्या मुझे कुछ हाथ दिखा सकते हैं कृपया आप ठीक है चलिए <laughs> हम अकेले नहीं हैं पोडियम पर हैं अकेले um, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला कि बचपन से मुझे तो मेरे माता पिता ने स्कूल चलाया और मुझे मौका मिला उनके एक्सपेरिमेंट को देखने का मैं विदेश चली गई बहुत साल छब्बीस साल बाहर रह के वापस आई भारत तो स्कूल बहुत बड़ा हो चुका था सिटी मॉन्टसरी स्कूल करके है लखनऊ में तो बेसिकली इस समय बासठ हज़ार बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में और विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है तो थैंक यू तो लेकिन यह है कि चुनौती क्या है स्कूलों में ये मैंने वहाँ पर फर्स्ट हैंड देखा और आप लोग तो जैसे अपने मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें नीचे देखना चाहिए तो आप लोग तो क्रॉप को काटते हैं और हम उसे वहाँ तक ले जाते हैं कि आप काट पाएँ तो लेकिन हम क्या क्रॉप आपको दे रहे हैं वही तो आप काटेंगे राइट तो हम जो क्रॉप दे रहे हैं शायद बहुत अच्छी नहीं दे रहे हैं और जहाँ तक तो स्किलिंग की बात अगर हम करें तो स्किलिंग माने नॉट जस्ट स्किलिंग एज इन देंस ऑफ कि भाई एंड सर टॉक्ड अबाउट जॉब क्रिएटर्स वर्सेज जॉब सीकर्स कि हमें हर जने को एक्चुअली नॉट जस्ट कुछ लोगों को बट हर बच्चे को ये तैयार करना है कि वो एक लीडर बने क्योंकि किसी भी संस्था में चाहे वो वर्कर हो चाहे वो लीडर वो एक ओनर uh, uh, हो uh, उसको लीडरशिप रोल्स में आ, रहना चाहिए चाहे वो झाड़ू सफाई कर्मचारी हो हर एक को लीडर बनना है और शिक्षा को लीडर्स को आ, डेवेलप करना है हम देखते हैं बच्चे जब कक्षा बारहवीं तक पहुंचते हैं तो शायद वैल्यूज़ कम हो जाती हैं शायद कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जो हम देखना चाहते हैं बच्चों के अंदर बहुत सारे बच्चे अच्छे निकलते हैं क्या वो स्कूल की वजह से है या परिवार की वजह से है और स्कूलों को कैसे सुधरना चाहिए कि वो वो क्रॉप दे सकें जिससे कि हमारे भारत का भविष्य पूरे विश्व का भविष्य और भी अच्छा हो एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ री कंप्लीट कम्प्लीट री इमेजिनेशन वॉट वी मीन बाई एजुकेशन मेरी रिसर्च रही है करीब मैं इस सा, तेईस साल हो गए रिसर्च करते हुए और मैंने शुरू की थी रिसर्च ऑफ कोर्स सिटी मॉन्टसी स्कूल से लखनऊ से बट उसके बाद मुझे मौका मिला करीब तेईस साल पहले आइसलैंड के दो चार्टर स्कूल्स को मैंने आई वन द बिट टू रन दैम तो वहाँ से मैंने को बिल्डिंग मिल गई और मौका मिला कि हम कुछ भी चलाएं स्कूल में तो प्रश्न ये उठता था कि कैसे बच्चों को हम महान बनाएं वॉट इज़ इट मीन टू मेक दम रियली अमेजिंग पीपल एंड uh, उसके लिए यू you नो know, uh, उस समय जो मेरे दिमाग में था कि uh, क्या ये संभव है कि इतने बड़े क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे क्या हर बच्चा महान बन सकता है क्या हर बच्चा मैक्सिमाइज कर सकता है अपनी लर्निंग को और एक टीचर और चालीस बच्चे वहाँ पे 28 बच्चे तो ये संभव नहीं था जिससे मैं जो रिसर्च करी थी उसमें हमने एपसिटिव रिसर्च करी माने प्रतिस्पर्धा स्वयं से अपने से कंपटीशन राधन किसी और से तो उसे पता लगा कि हाँ बच्चे तो बहुत महान बन सकते हैं और फिर आते आते भारत जब मैं वापस आई तो मैंने रिसर्च शुरू करी यहाँ पर विथ चिल्ड्रन इन द स्लम्स एंड इन विलेजेस एंड इन गवर्नमेंट स्कूल्स तो वहाँ पे बहुत प्रोफाउंड डिस्कवरीज़ uh, मैंने uh, uh, करी क्योंकि जब कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है बच्चे का यू you नो know, कोई भी वर्क घर के अंदर नहीं है कोई भी माहौल नहीं है और वो बच्चा आपको दिखा सकता है पाँच साल के बच्चे इतने ज़्यादा काबिल हैं कि हमें पता भी नहीं था और ये हम जब वापस जाके सिटी मॉन्सी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितने अमेजिंग रिज़ल्ट बच्चों के आ सकते हैं और हम नहीं दिलवा पा रहे हैं क्योंकि हमारी एजुकेशन पुराने मोड्स uh, में स्टक है और उनको जब तक उन मोड़ से नहीं बाहर निकालेंगे हम वो क्रॉप नहीं दे पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ को ना वो स्किल्स कर पाएंगे सबसे बड़ी स्किल है द स्किल टू लर्न एंड वी डोंट टीच दैट वी मेक मेक दैम रोड लर्नर्स डिपेंडेंट ऑनर्स वी आर नॉट टीचिंग दैम टू बिकम सेल्फ लर्नर्स एंड uh, उसके साथ साथ देखा जाए तो बच्चों के अंदर जो क्षमता है वो बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं हर तरह की क्षमता आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एकेडमिक स्किल्स बट एकेडमिक स्किल्स की बात करें तो आज की डेट में जो मेरी रिसर्च ने दिखाया है वो बड़ा प्रोफाउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है uh, सब के लिए सब एजुकेशन के लिए इवन हायर एजुकेशन क्योंकि छोटे छोटे पाँच साल के बच्चे मैं बारह बच्चों को ले आई थी लखनऊ से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इधर दिल्ली में और uh, अनिता कारवाल जी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सेक्रेटरी थी उनको मैंने दिखाया कि ये बच्चे पांच साल के छह साल के बच्चे आज का दिल्ली का अखबार पढ़ के आपको सुनाएंगे आज का दिल्ली का अखबार पढ़ के सुनाएंगे पांच और छह साल के बच्चे सब हैरान थे 101 करीब प्रेस वाले लोग आए थे और फिर अनीता जी ने मेरे से कहा कि आप इसको मेरे दो लो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करिए इसको हम कहते हैं अल्फा एक्सेलरेटिंग रेटिंग लर्निंग फॉल उसका एक नाम दिया है बिकॉज कहीं ना कहीं उसको एक यू नो एक नई नवीनता से उसको देखना है तो जब आ, ये आ, आ, उन्होंने देखा तो उन्होंने हमें दो एल ये लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्स ऑफ इंडिया एक उड़ीसा में और एक उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश की हूँ तो लेकिन जब इनमें हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो मैंने हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल के ऑफ़ एजुकेशन के लोगों को बुलाया मैंने कहा यू बी ऑब्जर्वर्स प्लीज़ बिकॉज आई वांट यू टू सी कि 40 डेज़ में क्या हम लोग कर सकते हैं और 40 दिन बाद जब देखा तो बच्चों की प्रगति इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यू कैन नॉट इमेजिन उन्होंने हार्वर्ड ने एक मोटी सी किताब में चैप्टर एट में पूरा डॉक्यूमेंट किया है हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ एजुकेशन ने तो वॉट आई एम डूंग रिसर्च वर्क आई एम शोइंग की बच्चा ज केपबल वो इतना अमेजिंग कर सकते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था मे बी आज के बच्चे ज़्यादा महान हैं लेकिन बच्चे हमेशा शायद महान थे हमारी पद्धति हमारे पढ़ाने के तरीके बहुत ही गड़बड़ हैं सही नहीं है और बहुत ही अच्छे हो सकते हैं तो उसमें क्या नवीन है वो हम आपसे कभी शेयर करेंगे लेकिन बात यह है कि रिज़ल्ट जो है अब यह है कि बीस स्कूलों से हमने शुरू किया है इन दो डिस्ट्रिक्ट में दस दस स्कूलों से और आज की डेट में डेढ़ साल बाद हमारे पास पंद्रह हज़ार स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के तो ये प्रगति क्यों हुई क्योंकि 40 दिन में रिजल्ट हम दिखा सकते हैं 45 दिन में हम रिजल्ट दिखा सकते हैं 30 दिन में बच्चे अखबार पढ़ने लायक हो सकते हैं और ये आज की नीड है कि बच्चों को हम जल्दी से उनको तत्परता से तैयार कर दें और उनको उसके साथ साथ बहुत सारी और स्किल्स हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द स्किल टू कलेबरेट ना सो इफ यू लुक एट ऑल द यू नो स्किल बेस्ड द सर्वे द स्किल्स नीडिड फॉर जॉब प्लेस नीडिड फॉर लीडरशिप स्किल्स एंड सो फॉर देन दे नीड टू नो हाउ टू कलेबरेट लेकिन हम स्कूलों में इसी तरह का सेटअप करते हैं जैसे हम लोग बैठे हैं हम लेक्चर दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे सब बैठ के लेक्चर सुनते हैं लेकिन हमने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि बच्चों को हमने जोड़ों में बिठा दिया हमने कहा आप लोग एक दूसरे से सीखेंगे हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों के अंदर है हम तो आप खुद पढ़ सकते हैं कुछ मटीरियल डिज़ाइन किए इस तरह के कि बच्चे खुद पढ़ सकें और इतना अमेजिंग रिजल्ट्स निकल रहे हैं इसके कि बच्चे कलेबरेटर्स बन रहे हैं कम्युनिकेटर्स बन रहे हैं जो कि एन 2020 में लिखा है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकर्स बन रहे हैं क्रिएटिव थिंकर्स बन रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट कॉन्शियसनेस एंड गॉड नोज वॉट तो इट इज़ पॉसिबल बट आई वॉन्ट टू से सिम्पली इज कि हमें एजुकेशन के बारे में बहुत कम्सपेक्ट होना पड़ेगा हमें नवीनता से सोचना पड़ेगा हमें नए विचारों से नए इनोवेशंस uh, करने पड़ेंगे जो आज की थीम है और आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ए फॉर coming up with this theme of transformation because that applies to k-12 it applies to university thank you everyone for being uh, with me on this and thank namaskar and all to the mending guests thank you thanks uh, dr Sunita gandhi founder and ceo devi sanstan if there is a will there is a way that's what uh, devi sanstan has done uh, she has given an example of how five to six years old children can read newspaper and that's just an example, but think about the magnitude of the work they have been doing for so many years. Uh, thank you so much for bringing the change in the education system.